क्या करते हैं लोग, मंदिर जाते हैं, बड़ा टिक्का लगाते हैं, अनाज तो बेन बेटियों को देखो बोले आज आज तो बहुत चकाचक दिखी रही बेन, नवी साड़ी ली, करवा चौथ है नहीं आज, करवा चौथ मतलब पति देव, अरे बापड़ा के रोज दफोरिया में तड़ियो बड़ियो आए, एक दन कदी प्यार से प्रेम से मिठी चट हुई के कदी पानी नहीं पायो, वो थने नाथ तो सवेर से घुघरा बन दिया था, अरे करवा चौथ साल भर कालजो खाए, जब उको मरने को टाइम आए वो सोचे कि अबे निपटी जमुआ यार, बस अब तो एक ही दन बचियो है, और जब तक करवा चौथ को व्रत कर लेंगे क्यों करें, जो पति की लंबी उम्र शुरू करे उके पाछो एक साल और जिंदो के, ना मरने में छोड़े ना जीने में छोड़े, मंदिर जावे मस्जिद जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन सच्चाई खुद तो सासू ससुरा की सेवा नहीं करे, और भाई के दादा रे महा मामी का दुख मत दीजिए, महा पापा का दुख मत दीजिए, थारा सासू ससुरा के नठुकाल जो खेरी दिन भर सवेर से उठी शांत, या सासू मरी जाए तो नजरे आना जरा सो ना आदमी के ये तुम्हारी मम्मी हंसो हंसो कीरी मारे, हम अंदाज तो लगाए हैं कि 20 साल 22 साल तक छोरो माँ बाप का साथ रहे यार, माँ बाप हर तरह की दुख तकलीफ का सर उठाए, और श्रीमती जी आवे तो के तो 6 महीना में ही अलग, बड़ी मुश्किल से कभी 12 महीना पकड़े तो पकड़े नहीं तो कहीं बहुत मुश्किल की बात है यार, ऐसा क्यों यार, हम किस भगवान को रिझाने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं इस दुनिया में, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारा, हमारे हमको ही नहीं दिख रहा है कि क्या है, इसलिए सतगुरु कबीर कह रहे हैं बात बहुत कड़वी है कि दया भाव हृदय नहीं ज्ञान कथे बेहद वी नर नरक में जाएगा सुन सुन साखी और शब्द, कितने ही भजन गा लो, कितने ही भजन सुन लो, कितनी कथाएं कर लो, कितने ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही तप यज्ञ कर लो, लेकिन अगर दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, सम्मान नहीं है, अपना माँ बाप की इज्जत नहीं है, अपना पड़ोसी की इज्जत नहीं है, अपना बड़ा छोटा की कदर नहीं है, थोड़ो सो पैसों ही जाए और अगर हम अहंकार और घमंड में फूलिया फिरा रहा तो निश्चित समझ लो कि हमारो पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास सब बेकार चली जावेगो, कहीं भी काम में आने वालों नहीं। आपने देखा होगा क्योंकि अपन गांव का लोग हैं, ये अभी होली गई है, होली का टाइम में जो खाकरो होया करे पलास, उन खाकरा में केसुड़ी आई है, तो जो खाकरा में जो फूल लगे हैं वो लाल चट दूर से ऐसो लगे जैसे कोई ने पेड़ का ऊपर अंगारा लटक दिया हो, अंगारा कोयला का जलता होया अंगारा दूर से इतना सुंदर लगे हो कि आ। पास में जाकर के कबीर ने देखा तो देखते क्या है कि फूल तो दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन उस फूल के ऊपर भंवरा नहीं बैठे, भंवरा नहीं बैठे। दो चार लोगों ने पूछा साहब क्या देख रहे हैं आप, बोले मैं ये देख रहा हूं यार कि इसके ऊपर भंवरा क्यों नहीं बैठता। तब वो और नजदीक गए, एकदम नजदीक गए, वो कली को उठाया और आंखों के सामने लाए, तब उसमें देखियो कि उसमें दोड़ा दोड़ा बूर है, धोड़ा धोड़ा बूर भी बूर बुना भंवरा के गड़े, क्योंकि भंवरा को जो शरीर है वो है जरूर कालो लेकिन बहुत कोमल होया करे, क्योंकि भंवरों कहां बैठे हैं फूल पे, तो वो बूर गड़े होके कबीर साहब समझ गए कि यो दिखने को फूल तो बहुत सुंदर है लेकिन इका ऊपर खार भरी हो यार, इका कारण भंवरों नहीं बैठे। ओ हो रे कबीर, तू दिखने को कितना सुंदर है लेकिन थारा दिल में कपट भरियो है, पाप भरियो है, गंदगी भरी है, विकार भरियो है, लोभ छल कपट बेईमानी धोखा फरेब यो इतो सब भरियो है और तू पूजा पाठ कर रही हो यार, वो परमात्मा रूपी भवरो कदी नहीं बैठे गो रे यार, ये कब बैठेगा? तो बोले जब तक यो सब हिटीन बायर नहीं हो तब तक वो बैठने वालो नहीं है, कदे बैठेगो जब भीतर को यो सब निकल जाएगो, इसलिए संतों ने कहा
कि तीन दोष तेरे तन का कहिए, तीन दोष है मन का और चार दोष वाणी वचन का कहिए, और दोष नहीं किनका। अगर तुझे जिंदगी में खुशी नहीं मिल रही है, अगर तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरे जिंदगी में प्रेम अगर नहीं है, तेरे परिवार, तेरे रिश्तेदार, तेरे गांव के लोग अगर तुझसे दूर हो रहे हैं, तो उसका कारण परमात्मा नहीं है और कोई दूसरा भी नहीं है। बस तेरे भीतर जो दिल में ये 10 बीमारियां हैं, इनके निकालिन वायर कर दे, उसका बाद देख बेटा कि दुनिया थारी हो जाएगी। पर कोई करके देखे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर कह रहे हैं, यह भजन इतना प्रसिद्ध भजन हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं, प्रभु की दया है। और इस एक भजन के कारण कई राज्यों में जाना पड़ा। अब इस भजन में ऐसा क्या है? दया नहीं है, धर्म नहीं है तेरे मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण, है ना? सदगुरु कबीर कहते हैं कि तूने छल करके, बेईमानी करके, धोखा करके और कपट करके इस अपने कोमल फूल जैसे दिल को, फूल जैसे मन को तूने पत्थर के जैसा बना लिया यार। और एक छोटा बच्चा भी जानता है कि पत्थर को अगर हम पानी में गिराएं तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। पत्थर कभी तैरने वाला नहीं है। इंसान उसी का नाम इस दुनिया में अजर और अमर रहेगा जो जिंदा है। और जिंदा कौन है? जिसके दिल में दया है, प्रेम है, करुणा है, समर्पण है, सम्मान है, त्याग है, बलिदान है, वो जिंदा है। आप और हम जैसे लोग अगर समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, अच्छा तो निश्चित समझिए कि हम जिंदा तो है लेकिन मरे हुए के समान, हम मरे हुए के समान। इसलिए कबीर कहते हैं कि मरा हुआ तू पत्थर के जैसा है और पत्थर हमेशा डूब जाता है। जितना इंसान हल्का रहेगा उतना ही वो सुखी रहेगा और संसार से मुक्त हो जाएगा। दो बातें हैं आप देखना। पहला का लोग, ये हमारे बुजुर्ग जन बैठे हैं, इनको पता है, पहले जब तीर्थ जाते थे तो तीर्थ जाते थे तो क्या क्या ले जाना पड़ता था? गोदड़ी भी ले जाना पड़ती थी बिछाने की, कम्बल भी ले जाना पड़ते थे, वो तपेली भी ले जाना पड़ते थे, लोटी न गिलास न, ए बापड़ा नटू गदड़ा सरी का हो जाता, आई बोतलो टांगी रिया, आई थैली टांगी रिया, काय इके तीर्थ करनो के, लथड़ पथड़ चले ही। संतों ने कहा अगर तीर्थ जाना है तो सामान कम, और मुक्ति पाना है तो जीवन में अरमान कम। दो चीजें हैं, पड़ोसी गाड़ी ले आयो यार हूं भी लूं, यार उसने मेहनत करी, उसने पैसा कमाया, या उसने छल करा, बेईमानी करी, जो भी करा, लेकिन उसके चक्कर में तू मत पड़ प्यारे, तेरा हंसी खुशी भरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आजकल का छोरा ना के देखो ऊपर, क्योंकि किस्त में काम चालू हुई तो है, जिका कम देखो है लंबो मोबाइल, पेंट ना पेरे, जींस ना, आप देखना तो सही क्या हालत हो गई हमारे, हम हमारी संस्कृति की, वो पेंट नीचे यही जाए या पुट्ठा पे, यहाँ बेल्ट लगाए, जेब में मोबाइल माए है, घर में भले ही आटा ना हो चलेगा लेकिन मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए। देखी लो बोले एक दिन रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं खाऊंगा आज, पर यार बैलेंस तो डाल दे रहे, चाहे कहीं भी हो दीजो यार, 500 रुपया दीजो, काल दी दूंगा भगवान की सोगन, माँ बाप तुम तुम्हारे को मम्मी किसके भाई को पापा किसके, नेट खत्म हो गया, नींद नहीं आई, घर में आटा नहीं कोई बात नहीं लेकिन मोबाइल में डाटा यस होना चाहिए। क्या करें, क्योंकि हमारी संगति, हमारी उठक बैठक ऐसी हो गई है। कबीर किस तरह से कह रहे हैं, और आम की डायली कोयल या राजी, कोयल का स्वभाव है वो बैठेगी तो आम की डाली पे बैठेगी, भैया बोवलना में नहीं बैठेगा, अपना जैसा नहीं, बिना पेंदा का लोटा, जहां देखो वहीं। मुझे तो आश्चर्य यहां होता है जब अपन समाज में देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा लेकिन आपके ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा तो आपको आ जाएगा।
मुझे ही समझ लो कि मुझे बीड़ी पीने की आदत है, इतनी काठी आदत है कि बस पूछो, लेकिन पैसा नहीं है, दो दिन से बीड़ी नहीं ली, पर साथ में मेरे गले में कंठी भी है, क्योंकि मैं गुरुमुखी आदमी हूं। अब मैं गुरुमुखी आदमी हूं, बीड़ी भी नहीं मिल रही है, लेकिन महाराज बेइज्जती आई गया हूं इसे। लेकिन बेइज्जती हुई आया तो वो बाईपास से हम हाईवे से इधर आए तो वहां कलाड़ी थी, तो वहां कलाड़ी पे एक क्वार्टर ठोके आया बेइज्जती। अब बेइज्जती क्वार्टर ठोके आए, लेकिन बीड़ी उनके पास में भी दो ही थी, तो एक तो वही क्वार्टर पिलियन बीड़ी चेताता ही रहा, क्योंकि पगे पगे को टाइम यहाँ आ गया वापिस ने, उनने हेड़ी बीड़ी ने मुंडा में धरी अन आई थूक में लथड़ पथड़ हुई रही, क्योंकि दारू वाला को काम ही है। कई बेजी कई हाल चाल है, लो बीड़ी पियोगा यार बेजी एक ही थी हो, अरे तो अपन तो बियाई है, अरे हो लो लथड़ पथड़ है, मैं दारू नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन वह जिज्जी बीड़ी मारा मुंडे ऐसी लागी कि वो बेई दारू कुट्टो नेठू थूक में खल्ली बीड़ी, लेकिन ओ हाँ बेजी पदर लटका। कबीर कह रहे हैं कि हमसे तो पशु अच्छे हैं, आम की डाली कोयल या राजी और मोर राजी बन में, मोर के तुम पिंजरा में अगर बांध दोगा तो मोर खुश नहीं रह पाएगो, वो खुश तो वाज रहेगो जंगल में। और ऐसे ही घर की तिरिया घर में राजी, अगर घर की स्त्री अगर हमारी बहन बेटी अगर गली में फिरती रहेगी तो समाज दुखित हुई जाएगा, परिवार दुखित हुई जाएगा, कोई खुश नहीं रह पाएगा। खुश तो उसको जीवन जदे ही होएगो, जदे की वो ग्रस्त जीवन की मर्यादा के निभाएगी। और ऐसे ही संत होते हैं, उनके सामने 56 भोग रख दो तो भी वो खुश नहीं होंगे, खुश तो बस एक ही चीज से होंगे कि कोई चार लोग मिल जाए और सत्संग हो जाए, परमात्मा का नाम मिल जाए, कोई भगवान का भजन करने वाला, कोई ऐसा प्रेमी, कोई ऐसा आशिक, कोई ऐसा दिलदार मिल जाए। मत खिलाओ रोटी, मत पिलाओ पानी, मत बिछाओ गोदड़ी, लेकिन भगवान के नाम का सत्संग मुझे दे दो, ऐसे संत राजी होते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि ये जो आज की दुनिया और हमारे ये लोग ये क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपना घरे 15 साल को, 18 साल को, 20 साल को छोरो, कभी माँ बाप पूछे नहीं कि बेटा कहाँ गयो थो, तो उसका जवाब एक ही होगा, कहीं नहीं यही थो, पूछ के देखना आप लोग कहाँ गयो थो बेटा, बोलो कहीं नहीं यही थो, अरे तो यही थो, अरे यही थो, अरे तो कोई नाम तो होगो, अरे यही तो पापा बताएगा नहीं, क्योंकि कहीं बताए कि वो कहां गयो थो, वो यो थोड़ी कहो कि मैं पान की दुकान पे खड़ा था कि वो मेरा फलाना मित्र आ गया था और वहां सिगरेट धुनकी रहा था कि वहां गांजो मसी रहा था कि वहां पाउच धुनकी रहा था, कहीं कर रहा था। ये पीड़ा है आज के दौर की, छोरा सुबह उठता है, नहाता धोता है, चकाचक होता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बालों में तेल लगाता, सेंट लगाता है, और मम्मी पूछे कहां जाए बेटा, बोला कहीं नहीं आ रही हूं, पापा पूछे बेटा कहां जा रही हो, बोला आ रही हूं, लेकिन बताएगा नहीं कहां जा रही हूं। क्या करते हैं नौजवानों को देखो आप, धीरे बेटा, क्योंकि हमारा वही कलाड़ी कने कने रोड पे सजी भवानी दूर से ही दिखे, क्या बात है, वहां देखो तो मैंने बताया ना कि वो पेंट नीचे, वहां देखो तो पछाड़ा ऐसे दिखे, आन कदी पलटीन जब वो दारू लेके उनको मुंडो आई देखो नहीं अपन तो असो लगे कहां ग्रह से आयो हो, गाल भरे गया भीतर, दांत बायर, आंख में गिचड़िया, बालड़ा बड़ा बड़ा, अखो सुकिन कांकड़ हिरियो, पर पहलवान की पहलवानी देखो, आई टेटू मंडिया है, आई छपई लिया है, आई छपई लिया है, कान में मुर्की है, कई खेल देखो आप, और करियो कहीं इन नाम डुबायो न मान घटायो न कालो मुंडो कर ग्योरे कर ग्योरे कर ग्योरे, नाना सा मुंडा को छोरो दो दो क्वार्टर पी ग्योरे, नाना सा मुंडा को छोरो दो दो क्वार्टर पी ग्योरे। ये मान पूजा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो छोटे से बकरे को वो काटने चला है, बलि देगा वो बकरे की, और दे रहा कौन,
जी का खुद हाथ पांव ना हवाई जहाज मंडप हवाई हुई कर रही है, सुखी टाट हुई है, जो तलवार तलवार को वजन नहीं समले जिससे वो भैया एक क्वार्टर पहला तो बकरा के छाटा देगो, क्वार्टर बकरा के चढ़ाएगो और फिर खुद पिएगो और फिर तलवार चलाएगो, ये तो धकोड़े के ही ना हाथ मुंडा खुद का ही काट लिया। परंतु आप देखना कितनी बड़ी वेदना और पीड़ा की बात है इस परमात्मा के इस पावन दरबार में बैठ करके मैं सदगुरु कबीर के वचन आपके बीच में रखूं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खड़ा होकर यह कह दे कि हां हमने देखा है। किसी ने नहीं देखा होगा कि कोई बकरा बकरी ना कोई कोई एक्सीडेंट कर दी हो, कि कोई का घर में भर गया हो, चोरी कर ली हो, कि कोई का कोई कोई बकरी कोई का छोरा के बगई लेगी हुई, कि कोई बकरो कोई की छोरी के बगई लेगी हुई, कि कोई उनने कोई के गाड़ी बकी हुई, कि कोई को अपमान करी हुई, कि कोई को कई करी हुई। सदगुरु कबीर कहते हैं रे यार दुनिया के लोगों बकरी पाती खात है, कई खाए बकरी, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो बकरी को खात है फिर उनका कई हवाल। गलती क्या उसकी, ये मान लो अपन यहां भागवत जी का आयोजन कर रहे हैं और ये हमने ये जवारे बोए हैं, अगर बकरा बकरी कदी आई जाए तो ये जवारी उखाड़ी खाई जाए तो एक मतलब यो थोड़ी यार कि उसकी गर्दनी काट दो और उसका पांव बांध दो और उसकी चमड़ी निकाल दो और बोटी बोटी करके खा जाओ आप, वो तो बेजुबान है ना, वो तो ना समझे, उसमें तो तीन तत्व है, इंसान तो पांच तत्वों से बना हुआ है ना, परमात्मा ने उसको समझ दी है और तेरी समझ ये कि तू उस निरपराध जीव के ऊपर तू दारू पी के और तू तलवार चला रहा है, कहां गई तेरी समझ। तब मेरे सतगुरु कबीर कहते हैं